उधर बड़ी खबर आई, हमास के अंत तक गाजा में जंग लड़ने का ऐलान कर चुके इसराइल से जुड़ी हुई इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को सरेंडर का आखिरी मौका दिया। उन्होंने हमास के लड़ाकों से दो टूक बोल दिया कि वो यहिया सिनवार के चक्कर में अपनी जान न गंवाएं और सरेंडर कर दें। ये बयान देते समय नेतन्याहू ने माना कि जंग अभी लंबी चलेगी, लेकिन उन्होंने इस जंग को हमास के अंत की शुरुआत बता डाला और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल की सेना यहिया सिनवार को खत्म करके ही चैन की सांस लेगी। जबकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगातार इसराइल पर सीज फायर का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर सीज फायर की मांग को एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल दिया और केवल जंग जारी रखने का ही ऐलान नहीं किया बल्कि हमास को सरेंडर का आखिरी मौका भी दिया, क्योंकि यहिया सिनवार के पकड़े जाने तक इसराइल का इरादा गाजा को यूं ही लहूलुहान करने का है। उसने जबालिया कैंप में रेड का वीडियो जारी करके अपने इरादे एक बार फिर जाहिर किए, क्योंकि वीडियो में इसराइल के सैनिक जबालिया कैंप के अंदर फायरिंग करते दिखे। इसराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने जबालिया कैंप में रेड इसलिए मारी क्योंकि उसे शक था कि हमास का एक खूंखार कमांडर वहां छिपा है और उसे पकड़ने के लिए इसराइल के सैनिक दबे पांव जबालिया कैंप के बाहर पहुंचे और गोलियां चलाईं। इसराइल के जिस सैनिक ने गोलियां चलाईं उसे अचानक पीछे खड़े सैनिक ने रोका और झटके से दूसरी तरफ आया और दोबारा अटैक शुरू किया, क्योंकि इसराइल की सेना का कहना था कि ये ऑपरेशन प्लान नहीं किया गया था। और उसे अचानक खबर मिली कि जबालिया कैंप में हमास के दो खतरनाक कमांडर छिपकर बैठे। हालांकि इसराइल ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए उसने आनन फानन में ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन जबालिया कैंप के अंदर घुसने से पहले इसराइल के सैनिकों को धुआंधार गोलियां चलानी पड़ी। वो अंदर मौजूद हमास के लड़ाकों को ललकारते भी सुनाई दिए और इसी दौरान एक सैनिक ने कैंप के अंदर बम फेंक दिया। बम फेंकने वाला सैनिक जैसे ही पीछे हटा, दूसरा सैनिक आगे बढ़ता दिखा, क्योंकि वो अंदर छिपे शख्स को संभलने का मौका नहीं देना चाहते थे और इसीलिए इसराइल के सैनिकों ने बिना एक पल गंवाए फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें दिखा कि फायरिंग के वक्त एक सैनिक रुकता तो दूसरा शुरू हो जाता। इसराइल की सेना ने बताया कि ये ऑपरेशन जबालिया कैंप के नीचे बनी सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए चलाया गया था, लेकिन सुरंग में घुसने से पहले ही खूब गोलियां चली और इसके बाद इसराइल के सैनिक अंदर घुसे। उन्होंने वहां हमास के दो लड़ाकों को मारने का दावा किया। इसराइल की सेना ने बताया कि वो जब अंदर घुसे तो हमास के दोनों लड़ाके जिंदा थे और इसीलिए इसराइल के सैनिक गोलियां चलाते हुए अंदर घुसे। इस दौरान गिने चुने मौके ही आए जब गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि ज्यादातर समय इसराइल के सैनिक अलर्ट थे और गोलियां चला रहे थे। उनका कहना था कि सुरंग में घुसते समय अंदर से हमास के दोनों लड़ाकों ने फायरिंग की और उसका उन्हें जवाब देना पड़ा। वीडियो में दिखा कि अंदर मौजूद हमास के लड़ाकों और इसराइल के सैनिकों की बहस भी हुई और इसके बाद इसराइल के सैनिकों ने एक बार फिर उन्हें टारगेट किया। इसराइल ने जो वीडियो जारी किया उसमें दोनों हमास लड़ाकों के शव भी दिखाए गए। इसके अलावा जबालिया कैंप के नीचे बनी सुरंग की दीवारों पर गोलियों के निशान और यहां वहां बिखरा सामान भी दिखा। मतलब इसराइल की सेना ने गाजा में जारी सैन्य ऑपरेशन का एक और खतरनाक वीडियो जारी करके बता दिया कि इसराइल की सेना अब नहीं रुकेगी और अब तो उसकी खतरनाक यहलोम यूनिट मैदान में उतर चुकी है। जबालिया कैंप में भी इसराइल की सेना की इसी टुकड़ी ने हाहाकार मचाया। इसराइल की सेना की यह टुकड़ी तब मैदान में उतरती है जब आतंकियों से लड़ना होता है और इसीलिए इसराइल की खतरनाक यहलोम यूनिट जंग में उतरी। जबालिया कैंप में दो हमास लड़ाकों को मारकर उसने हमास को सीधी चुनौती दी। इसराइल की भाषा हिब्रू में यहलोम का मतलब होता है हीरा और इसीलिए यहलोम यूनिट का नाम उसकी काबिलियत दिखाता है, क्योंकि इसराइल ने ये यूनिट सुरंगों को ढूंढने और वहां से दुश्मनों का सफाया करने के लिए बनाई है। इस यूनिट का हर सैनिक कई आतंकियों पर भारी पड़ता है, जिसके लिए उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए हमास के जिन लड़ाकों को इसराइल आतंकी कहता है उनका सफाया करने के लिए यहलोम यूनिट गाजा में जंग लड़ने लगी। क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो जंग नहीं रोकेंगे और जब तक यहिया सिनवार नहीं पकड़ा जाता तब तक गाजा में हाहाकार मचाते रहेंगे।
जबकि संयुक्त राष्ट्र इसराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो इस बारे में सोच तक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमास के लड़ाकों को चेतावनी दी कि वो सरेंडर कर दें और यहिया सिनवार के चक्कर में अपनी मौत को न्योता ना दें। वानी उमर लमखबले हमास जनिगमार अल तमूतु बिशुल सिनवार। हालांकि नेतन्याहू ने यह माना कि जंग लंबी चल सकती है, लेकिन वो ये जताने से पीछे नहीं हटे कि आज नहीं तो कल हमास का अंत पक्का है। ज़िका खुजमान अमिलखमा भी चुमा अब ज़िदखिलात सोफ़शुल हमास। हमास के लादेन को पकड़ने के लिए इसराइल ने पूरे गाजा को उलट पुलट कर रख दिया, क्योंकि पहले इसराइल के सैनिकों ने उत्तरी गाजा पर हमला किया, फिर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में घुस गए, क्योंकि इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि यहिया सिनवार उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा भाग गया और वहां उसने हमास के गढ़ खान यूनिस में पनाह ली। इसराइल की सेना ने इसी वजह से दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हाहाकार मचाया, लेकिन हमास ने भी हथियार नहीं डाले, उल्टा उसने इसराइल को धमकी दे डाली और बयान जारी किया कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती वो इसराइल के बंधक नहीं छोड़ेगा। और हमास की इस धमकी का कनेक्शन इसराइल की जेल में बंद फिलिस्तीन के नागरिकों से जोड़ा गया और कहा जाने लगा कि हमास बंधकों के बदले और फिलिस्तीनियों को छुड़वाना चाहता है, क्योंकि उसने बयान दिया कि इसराइल और उसके समर्थक हमास की मांगों को पूरा किए बिना अपने बंधकों को जिंदा वापस नहीं ले जा सकते। यानी नेतन्याहू और हमास दोनों अड़े हुए, जिसका खमियाजा गाजा के आम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू सिनवार को पकड़े बिना सीज फायर के बारे में सोच तक नहीं रहे और हमास भी बाकी बंधकों को नहीं छोड़ना चाहता। इसराइल और हमास के बीच पिछले महीने हुआ युद्ध विराम एक हफ्ते ही चला था और 1 दिसंबर को खत्म हो गया था। उस दौरान हमास ने 105 बंधकों को रिहा किया था। इन बंधकों में 80 इसराइल के नागरिक और बाकी दूसरे देशों के नागरिक थे और उनकी रिहाई के बाद हमास के कब्जे में 137 बंधक और होने की खबर है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था और इन बंधकों में कुछ तो छूट गए, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक अब भी हमास की कैद में हैं। यानी इसराइल पर चौतरफा दबाव है, एक तरफ उसे अपने बंधकों को छुड़ाना है और दूसरी तरफ 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार को पकड़ना है और उसके लिए इसराइल की सेना की सबसे खतरनाक टुकड़ी कही जाने वाली यहलोम यूनिट मैदान में उतर चुकी है।